नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी अपने इस पहले ब्लॉग में आपका बहुत ही बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अपने गांव का खेत जहां पे गेहूं की खंदाई हो रही है। मैं गांव आया था तो मैंने सोचा कि आपको दिखाया जाए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये लेबर जो हैं ये इस तरीके से मशीन है, इसमें ये लोग ये जो गेहूँ के बंडल हैं जो काटे जाते हैं उसको लगा रहे हैं, और ये नीचे जो गिर जाता है यहाँ से उसे बीन रहे हैं फिर लगाते हैं। तो इससे क्या है कि जो भूसा है ये अलग निकल जाता है और गेहूं जो है वो आप देख पा रहे होंगे वो साइड में वो पल्ली पड़ी हुई है वहाँ पे गेहूं जो है वो गिरते हैं। और ये देखिए ये नीचे जो गेहूं चले जाते हैं मतलब वो ये बीन के ऊपर डालते हैं। मैंने सोचा कि आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। आप लोग उधर देख पा रहे होंगे गेहूँ को, तो गेहूँ उधर गिरते हैं और इधर ये लोग मशीन में जो है इसको लगाते हैं गेहूं के बंडल को। और ये फाइनली इतने हमारे गेहूं जो हैं वो निकले हैं, और अभी मैं दिखाता हूं कि ये लोग कहां से लेके आते हैं और किस तरीके से ये करते हैं और मैं कहां पे बैठा हूं। ये इतने गेहूं हुए बैठा हुआ और ट्रैक्टर से मैंने जो है पूरा वीडियो ये बनाया हुआ है, और वो आप देख पा रहे होंगे जो खेत दिखाई दे रहे हैं ये सारे अपने खेत हैं और इन्हीं से बहुत ये लोग ले आ रहे हैं और यहाँ पे इसे इस तरीके से मशीन में डालते हैं जिससे उधर भूसा निकलता है और गेहूँ जो है वो अलग हमारा इकट्ठा होता है। देख पा रहे होंगे इस तरीके से ये लोग इसमें डाल रहे हैं और भूसा जो है वो अलग आपका निकल रहा है। मैंने सोचा कि ये अच्छा सा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि थोड़ा सा पढ़ाई से हट के आपको अलग एक्सपीरियंस दिखे। और उम्मीद है कि ये ब्लॉग अगर आपने यहाँ तक देखा होगा तो आपको थोड़ा सा अलग अच्छा लगा होगा। ये देखिए पूरे पीछे जो खेत का लुक है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि अगर आप यहाँ तक आए हैं आपने इसे इंजॉय किया होगा। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देख सकें किस तरीके से जो गेहूँ आप लोग खाते हैं, जो आटा आप लोग खाते हैं वो कैसे निकलता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से सारी जानकारी है वो समझ में आ गई होगी। थैंक यू वीडियो अगर यहाँ पर देखा है।